बात करें तो क्या है इस मोटरसाइकिल का प्राइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका प्राइस बता दे रहा हूँ, R15 V4 मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन का प्राइस है 2 ऑलराइट। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैशर ऋषभ। सो फार फाइनली अपने साथ खड़ी है यामा R15 V4, और ये यामा R15 की फोर्थ जनरेशन R15 है। अब तक बहुत सारे ईयर्स में यामा ने अपनी R15 से बहुत ज़्यादा सेल्स कर ली थी, और इसी के चलते हुए R15 V4 भी लॉन्च हो गई, जो कि प्रीवियस वर्जन से काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड हो गई है, काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक भी हो गई और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें प्रोवाइड करे गए हैं। और 155 cc में जो फंक्शन हम लोग को इसमें देखने को मिलते हैं वो अंडर 2 लाख में किसी मोटरसाइकिल में नहीं देखने को मिलते हैं। तो आज करेंगे इसी मोटरसाइकिल का रिव्यू, जानेंगे क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे भी बताऊंगा जो कि यामा ने इस मोटरसाइकिल में किया है और वो अभी तक पहला ही है। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो को कवर करने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो पहले कुछ सिनेमैटिक शॉट देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सामने खड़ा है यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, और इस मोटरसाइकिल के 2 वेरिएंट हैं 4 कलर में। मैं 5वां कलर ये इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये जो मॉन्स्टर एनर्जी का मोटो जीपी वेरिएंट है। R5 V4 जो सेकेंड वेरियंट है वो एम एडिशन है, R5 M, जो कि अपनी R1 M से डिराइव होता है। और बाकी जो उसका स्टैंडर्ड वेरियंट है उसमें आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, स्क्रीन पर चल रहे होंगे, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। तो अभी शोरूम के अंदर वो तीनों कलर खड़े हैं, उसको मैं दिखा दूंगा। बाकी यहाँ से हम लोग R15 M मॉन्स्टर एनर्जी को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है आपको देखने को, जिसका ग्रे कलर है, और यहाँ पे जो कैलिपर है उसका जो एंड है वो भी आपको ग्रे कलर में देखने को मिलता है। तो ये जो कलर है ग्रे वो सिर्फ आपको एम में और मॉन्स्टर एनर्जी देखने को मिलता है। बाकी जो उसके 3 अलग कलर हैं रेड, ब्लू एंड ब्लैक, उसमें आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म ब्लैक में, और यहाँ पे जो कैलिपर का एंड है वो भी आपको ब्लैक में देखने को मिलता है। दोनों वेरिएंट में आपको गोल्डन कलर से सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि KYB के तरफ से आते हैं। KYB सस्पेंशन आपने TVS Apache RTR 204V में भी देखा होगा। बाकी रियर में आपको सेम मोनोसॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। अगर इंजन वाइज बात करें तो बहुत माइनर सा फ़र्क किया गया है V3 से। बाकी इसके इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा हैं। अगर हम लोग यहाँ पे साइड फिगर से बात करें तो पहले हम लोग यहाँ से फ्रंट से ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे DRL आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। R7 से ही ये मोटरसाइकिल डिराइव होती है, एक R7 लाइट हम लोग कह सकते हैं इसको। फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि बाई डायरेक्शनल है, और ये जो प्रोजेक्टर लैंप है वो डे लाइट और नाइट लाइट दोनों का काम करता है। बाकी आपके DRL दोनों ही चलते रहते हैं, वो ऑप्शनल नहीं है, आप उसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते हो। फ्रंट में आपको यामा मॉन्स्टर एनर्जी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, फ्रंट में आपको मॉन्स्टर एनर्जी की ब्रांडिंग, इधर यामा ल्यूब और मॉन्स्टर की ब्रांडिंग, अगेन इनियोस की ब्रांडिंग इधर देखने को मिल जाती है, यामा की ब्रांडिंग इधर, यहाँ पे R15 M की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और बड़ा सा मॉन्स्टर एनर्जी का M देखने को मिल जाता है यहाँ पे, मॉन्स्टर एनर्जी अगेन, और यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है जिसमें क्विक शिफ्टर की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर ये देखने को मिल जाता है, ये इसका क्विक शिफ्टर, अगेन मॉन्स्टर एनर्जी ब्रांडिंग, और यहाँ पे R15 M की ब्रांडिंग सीट में की गई है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, R15 स्टैंडर्ड और M में एक और चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे जो सीट है उसका जो पैटर्न है थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा, अगर आप देख सकते हैं, और बाकी प्लेन सीट आपको उसमें देखने को मिलती है, कोई ज़्यादा आपको डिज़ाइन नहीं देखने को मिलती है जैसे इसमें देखने को मिल रही है। तो स्टैंडर्ड वेरियंट में आपको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं देखने को मिलती है। और इधर साइड बात करें, यहाँ पे रेफ्सियोर हर्ट और यामा की रेसिंग सिग्नेचर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे जो R15 M है उसमें आपको जो मफलर है वो ग्रे कलर का देखने को मिल जाता है, बाकी वेरिएंट में आपको जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें मफलर ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है, बट आपको जो एंड है वो अगेन ग्रे कलर का देखने को मिल जाता है। सो ये इसका ओवरव्यू था मोटरसाइकिल का, अगेन यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ M में ही किया गया है जो कि R15 मॉन्स्टर एनर्जी है। यहाँ पे जो आपको 3D में आपको यामा का लोगो देखने को मिल जाता था, पहले आपको एक स्टिकर का लोगो देखने को मिलता था, बट आपको 3D लोगो देखने को उसमें मिल जाता है जो कि गोल्डन कलर में आता है।
बाकी वेरिएंट्स में आपको ग्रे कलर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मॉन्स्टर एनर्जी यामा फैक्ट्री रेसिंग का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, इसमें ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि अपने ऐप से कनेक्ट हो जाता है, यामा ऐप से, जैसा कि आप SDS में भी देखे होंगे। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करें तो सेम यामा R1 जैसा लगता है, बट ये LCD है। यामा R1 में TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिलता था, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, अब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक और चीज़, यहाँ पे R5M की कैप देखने को मिलती है, बट आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में कैप देखने को नहीं मिलती है इसके सस्पेंशन पे। बाकी जो हैंडल है वो थोड़ा सा इस बार कम एग्रेसिव है, थोड़ा सा मतलब बराबर का पोजीशन देखने को हमको मिल सकता है इसमें, तो इस बार थोड़ा सा, अब इसको बैठ के बताएंगे और साउंड भी सुनाएंगे। बाकी जो हैंडल इस बार ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, मतलब एक बराबर सा एग्रेसिव है। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजन से, तो ज़्यादा फर्क नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर 18.1 BHP की देखने को मिल जाती है जो कि 10,000 RPM पर जनरेट होती है। मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करें, 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है जो कि 7,500 RPM पर जनरेट होता है। 155cc की मोटरसाइकिल है, अगेन मैं बता दूँ। बोर और स्ट्रोक के बारे में बात करें तो 58mm का बोर एंड 58.7mm का स्ट्रोक, तो बोर और स्ट्रोक दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पे हम लोग बात करें, लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आती है, 6 गियर की मोटरसाइकिल है अगेन। और सो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। माइलेज के बारे में बात करें तो 45 से 50 किलोमीटर लीटर का माइलेज ये मोटरसाइकिल क्लेम कर देती है। टॉकिंग अबाउट द राइडिंग रेंज, तो यहाँ पे आपको 470 से 500 के बीच तक का राइडिंग रेंज आपको ये मोटरसाइकिल क्लेम कर देगी पूरे 11 लीटर के टैंक में। वेल, एक और मैं डिफरेंस बता दूं स्टैंडर्ड और एम वेरिएंट में, यहाँ पे आपको जो कैलिपर देखने को मिलता है वो गोल्डन देखने को मिलता है, बट रियर ब्लैक देखने को मिलता है, बट फ्रंट कैलिपर आपको गोल्डन देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको ये ब्लैक देखने को मिलता है, और ये चीज़ थोड़ा सा लुक इन्हांस भी कर रही है। यहाँ पे ABS की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, डुअल चैनल ABS के साथ ये मोटरसाइकिल आती है। यहाँ पे फ्रंट ब्रेक साइज के बारे में बात करें तो फ्रंट ब्रेक साइज 282mm का है, और यहाँ पे रियर ब्रेक साइज 220mm का है। 17 इंचेस के लॉ इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे 100x80 17mx C52P का टायर देखने को मिल जाता है ये फ्रंट में। और रियर में बात करें तो रियर में आपको 140x70R17mx C66H का देखने को मिल जाता है जो कि अगेन रेडियल टायर है और एक ट्यूबलेस टायर है। और फ्रंट में एज आई सेड, और आप से देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और रियर में आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। वेल, इसके पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो R5 है, अब तक यामा पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में ये वेरिएंट लाई है, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में ये लॉन्च करेगी। ज़्यादातर यामा जब बाइक लॉन्च करती है तो इंडिया से पहले और कंट्रीज़ में लॉन्च कर देती थी, बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले ये वेरिएंट इंडिया में ही आया, उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ में ये डिलीवर होना चालू होगा। और एक और चीज़ जो कि सबसे मेन चीज़ है इसकी, TCS एक्शन कंट्रोल सिस्टम कमिंग टूवर्ड द इंस्ट्रूमेंटल कंसोल विच इज़ द मेन थिंग ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पे R155 जो कि टॉप स्पीड भी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जो कि ये मोटरसाइकिल, यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रेव लिमिट की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे यामा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, पहले जो इंडिकेटर थे वो आपको एक ही जगह पे देखने को मिलते थे, बट लेफ्ट का यहाँ आपको लेफ्ट का यहाँ पे और राइट का यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे नाइट लाइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टेड की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कॉलिंग की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मैसेज की लाइट, और यहाँ पे इंजन हीटिंग की लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 13,000 तक का RPM आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टैकोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ट्रिप वन मीटर, और इसको कोई बटन से ये मतलब पहले आपको बटन यहाँ किनारे दी जाती थी जिससे आप इंस्ट्रूमेंटल कंसोल को कंट्रोल कर सकते थे, बट अब आपका हैंडल में ही इनबिल्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे आप इधर साइड जब दबाओगे तो यहाँ पे बैटरी का इंडिकेशन, यहाँ पे कूलेंट का इंडिकेशन, यहाँ पे ट्रैक का इंडिकेशन, जो इसमें दो राइडिंग मोड है, स्ट्रीट और ट्रैक। बट मैं ये चीज़ बता दूँ, स्ट्रीट और ट्रैक में ये इंजन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालती है, लाइक जैसे प्रीवियस अपाची RR310 है, उसमें चार मोड्स हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक। तो स्पोर्ट और ट्रैक में वो 34 BHP में चलती थी, और अर्बन और रेन में वो 26 BHP पे चलती थी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपका स्ट्रीट में भी उतनी चलेगी जितनी वो ट्रैक पे चलेगी, मतलब इसका सिर्फ डिस्प्ले चेंज होता है, बाकी इंस्ट्रूमेंटल कंसोल चेंज होता है ट्रैक और स्ट्रीट मोड में, बाकी इंजन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे अगेन हम लोग दबाएंगे इसको, सो यहाँ पे आगे हम लोगों का पेट्रोल लीटर बाय 100 किलोमीटर का इंडिकेशन, यहाँ पे एवरेज लीटर बाय 100 किलोमीटर का इंडिकेशन, और यहाँ पे
टोटल एवरेज का इंडिकेशन, और अगेन TCS, TCS आपका स्विचेबल नहीं है, TCS आपका हमेशा ऑन रहेगा। जो लोग इसमें व्हीली करना पसंद करते थे उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि इसमें TCS ऑफ नहीं हो सकता है, तो व्हीली करने में आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और इधर जब आप इसको बटन को दबाओगे तो यहाँ पे आपकी ट्रिप मीटर्स चेंज हो जाएंगे, ट्रिप 1 मीटर, ट्रिप 2 मीटर एंड ट्रिप एफ मीटर। सो यहाँ से आप इसके ट्रिप मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। वेल, यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। सुनते हैं अब इस मोटरसाइकिल की साउंड, देखते हैं कैसी इसकी साउंड है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसका जो किल स्विच और इग्निशन स्विच है वो एक ही स्विच में आपको दिया गया, यहाँ से स्टॉप और यहाँ से स्टार्ट। तो करते हैं इसको स्टार्ट, सुनते हैं इसकी साउंड। और यहीं से इसको कर सकते हैं हम लोग ऑफ। तो स्टार्ट स्विच और किल स्विच दो इन्हें एक स्विच में आप ऑपरेट कर सकते हो, सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। फ्रंट लाइट भी आपको इसी साथ दिखा देते हैं, ये DRL ऑन हो गए हैं। ये अभी चल रही है आपकी लो बीम पे, और ये रहा इसका हाई बीम। सो ये रही लो बीम, ये रही हाई बीम, और पास लाइट भी आपको दिखा देते हैं। तो ये इसकी पास लाइट, डैट्स इट। मिरर आपको सेम वही V3 वाले दिखते हैं जो कि V2 में भी आते थे। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग राइटर सीट की बात करें तो पहले से ज़्यादा फोम्ड कर दी गई हैं, बट पिलियन सीट सेम उतनी स्टिफ है जितनी पहले थी। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन आपको स्टिफ सस्पेंशन देखने को मिलते हैं फ्रंट और रियर में, आपको ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं देखने को मिलते, स्टिफ सस्पेंशन सेटअप है इस मोटरसाइकिल का। थोड़ा सा इसमें बैठ के भी देखते हैं। सो टैंक देखने में छोटा लगेगा बट टैंक ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज है इस मोटरसाइकिल का। ओवरऑल बात करें सो एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर ये मोटरसाइकिल ले रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगी कि नहीं? सो यस, ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी इन टर्म्स ऑफ लुक, माइलेज एंड एवरीथिंग। सो ओवरऑल बेस्ट मोटरसाइकिल है अगर हम लोग बात करें अंडर 2 लाख में। चलिए बाकी हम लोग अंदर चल के एक बार आपको अदर मॉडल्स भी दिखा देते हैं। सो ये रेसिंग ब्लू कलर है और यहाँ पे रेड कलर खड़ा है, और ये रही R15M जो कि R1M से इंस्पायर्ड होती है, और दिस इज़ वन इज़ ब्लैक एडिशन। सो अभी इसके प्राइस हम लोग बाहर चल के बताएंगे। बाकी पर्सनली मुझे कौन सा कलर अच्छा लगा तो रेड कलर ज़्यादा, ऑलमोस्ट मेरा पर्सनल कलर फेवरेट जो है वो है ब्लू, बट मुझे रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो यहाँ पे आप साइड में जो स्टिकर्स देख सकते हैं जो येलो कलर में है वो थोड़े से ज़्यादा लुक को इन्हेंस कर रहे हैं और एग्रेसिव भी लग रहे हैं दिखने में। अगेन बात करें सो एक चीज़ और बता दूं कि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है जैसे M वेरिएंट में मिलता है। अगर आपको क्विक शिफ्टर लेना है तो आपको 6000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जस्ट फॉर क्विक शिफ्टर। एंड लेट्स गो अगेन आउटसाइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या है इस मोटरसाइकिल का प्राइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका प्राइस बता दे रहा हूँ। R15 V4 मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन का प्राइस है 2,05,000 कानपुर में, और R15 V4 का 2,04,000 है। 1 या 2,000 का फ़र्क है R15M में और मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन में। बाकी अगर हम लोग बात करें मेटेलिक रेड में जो कि अभी मैंने अंदर दिखाया, उसका ऑन रोड प्राइस है 1,92,000। R15 V4 डार्क नाइट का 1,93,000, एंड लास्ट वन इज़ रेसिंग ब्लू जो कि 1,97,000 का पड़ता है आपको ऑन रोड। सो ये है इसकी प्राइस, और बाइक आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। सो इतनी सी थी ये वीडियो, बाकी हम लोग वीडियो यहाँ से करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड आर राइड सेफ एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।